नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम से जुड़ी तीन बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही, जहां पर आरसीबी टीम का प्लेऑफ में जाना लगभग तय माना जा रहा है। पूर्व दिग्गज का बयान आया है। इसके अलावा दोस्तों, फैफ डुप्लेसी ने आरसीबी टीम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, खासकर दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद को लेकर। तो क्या कुछ कहा है इन सभी ने, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। दिनेश कार्तिक को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें पहली अपडेट की, तो भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि आरसीबी हर मैच के साथ बेहतर होती जा रही है और आईपीएल 2022 में प्लेऑफ में जगह बनाने में सक्षम है। आरसीबी ने अपने 6 में से 4 मैच जीते हैं और भारत के पूर्व मुख्य कोच का मानना है कि फैफ डुप्लेसी के नेतृत्व में टीम बेहतर स्थिति में है। शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स पर क्रिकेट लाइव पर कहा कि मुझे विश्वास है कि हम इस सीजन में एक नया चैंपियन देखेंगे। आरसीबी इस आईपीएल में एक रोल पर है और वे निश्चित रूप से प्लेऑफ में जगह बनाने जा रही है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, वे और बेहतर होते जा रहे हैं, वे एक अच्छी जगह देख रहे हैं। इस सीजन में आरसीबी के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में शास्त्री ने दावा किया कि टीम के नए कप्तान फैफ डुप्लेसी, पूर्व कप्तान विराट कोहली और मैक्सवेल इस साल अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि विराट अच्छा कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल टीम के साथ वापस आ गए हैं और हम सभी जानते हैं कि वह बल्ले से कितने खतरनाक हो सकते हैं और टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ आरसीबी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी अपडेट है दिनेश कार्तिक को लेकर, जिनका शानदार फॉर्म जारी है। हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने रन बनाए हैं, कितने स्ट्राइक रेट के साथ, कितने एवरेज के साथ। इस सीजन में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दिनेश कार्तिक के बल्ले से तूफान आया है। इस सीजन की शुरुआत से ही वे इस तरह का ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्तिक ने अब तक 6 मुकाबलों में 209.57 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 197 रन बनाए हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस दौरान दिनेश कार्तिक का एवरेज जो है 197 का रहा है। अब तक उनके बल्ले से 14 छक्के और 18 चौके निकले हैं। उनके इस दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया में वापसी की भी उम्मीद बढ़ गई है। तो अगर दिनेश कार्तिक ऐसे ही फॉर्म में रहते हैं तो आरसीबी टीम इस बार चैंपियन बन सकती है। कहीं ना कहीं आरसीबी टीम की जीत में उनका अहम योगदान रहा है। इसके बाद भाइयों, तीसरी अपडेट है फैफ डुप्लेसी को लेकर, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। डुप्लेसी ने दिल्ली के खिलाफ मैच के बाद कहा कि शीर्ष क्रम के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम रन बनाकर योगदान दें। हमारा शीर्ष क्रम नहीं चल पाया है, लेकिन अन्य बल्लेबाजों ने योगदान दिया। उन्होंने कहा कि शुरू में बल्लेबाजी करना मुश्किल था, लेकिन मैक्सवेल ने जिस तरह से उन पर दबाव बनाया वह महत्वपूर्ण था। लेकिन 190 रन तक पहुंचने के लिए विशेष पारी की आवश्यकता थी और श्रेय दो खिलाड़ियों शाहबाज और दिनेश कार्तिक को जाता है। तो भाइयों, दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद की फैफ डुप्लेसी ने तारीफ की है। वहीं ये भी माना है कि टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं बने हैं, उन्हें रन्स करने होंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आरसीबी टीम से जुड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।